क्या भारी बारिश से पहाड़ियों से पत्थर खिसकते हैं, जगह जगह मिट्टी का कटाव होता है और भूसंकलन जैसी परिस्थिति के साथ साथ सड़क में दरारें भी पड़ती हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालाघाट से बैहर के बीच पड़ने वाले 13 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते की। राजमार्ग के रूप में जाना जाने वाले इस मार्ग के गांगुलपारा घाट पर गत वर्ष भी सड़क का एक हिस्सा ढह जाने की वजह से तकरीबन 1.5 माह आवागमन बंद था, जिसकी वजह से बैहर जाने वालों 40 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाकर परसवाड़ा होते हुए बैहर जाना पड़ा था। इस साल भी उसी स्थान पर सड़क में दरार पड़ने से 3-4 दिन मार्ग बंद कर MPRDC द्वारा उसकी मरम्मत की गई। अब उस स्थान को एकल मार्ग की तरह उपयोग में लिया जा रहा। यह मार्ग आदिवासी अंचल के अलावा मलाजखंड स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रोजेक्ट को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, जिसके चलते इस मार्ग से सैकड़ों वाहन, यात्री बसें और भारी वाहन गुजरते हैं। ऐसे में यहां से सफ़र करना खतरे से खाली नहीं। आखिरकार बारिश के दिनों में पहाड़ काटकर बनाई गई सड़कों पर यह स्थिति क्यों बनती है, यह जानने के लिए हमने जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात कर कारण तथा निदान संबंधी चर्चा की। स्थानीय PG कॉलेज से रिटायर्ड हुए भूगर्भ शास्त्र के प्रोफेसर SK सक्सेना ने बताया कि इस तरह के सड़क निर्माण में जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के नियमों का पालन आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि बालाघाट की चट्टानें जो हैं वो बहुत पुरानी हैं और समय से उनमें धीरे धीरे पानी का रिसाव होता है, जिससे वो कमज़ोर होती है। इसके लिए बहुत समय लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया जो होती है ये काफ़ी घातक होती है। और अभी ये जो यहाँ पर हो रहा है, जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इसका कारण यही है कि अरसे से ही एक काम चल रहा है, क्रिया चल रही है, और अब वो धीरे धीरे चट्टाने कमज़ोर होकर फिसलने लगते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। अगर सड़क के ऊपरी भाग से लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे जाल लगाए जाते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, जो लैंडस्लाइड के एक्सपर्ट होते हैं, वो ये काम करते हैं। अगर नीचे की तरफ चट्टाने खिसकी हैं, जैसा कि बैहर में हुआ है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि उसको रीइंफोर्स करना चाहिए सीमेंट कंक्रीट से, और अच्छे भरन उसमें ज़रूरत हो तो कई जगह ड्रिलिंग करके सीमेंट लिक्विड जो है उसके अंदर इंजेक्ट करना चाहिए, ताकि वो इतनी मजबूत हो जाए चट्टानें कि आगे के समय में वो ना खिसक पाए। तो ये तरीके जो हैं ये अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो विशिष्ट वैज्ञानिक होते हैं, जो इस कार्य को करते हैं, उन्हीं को अप्रोच किया जाए और वो सही तरीके से बता पाएंगे कि यहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह के कोई वहाँ पे लैंडस्लाइड ना हो पाए और वो सड़क और वो रास्ता जाने जाने वाले लोग वो सुरक्षित हों। इस संबंध में हमने MPRDC के इंजीनियर दीपक आड़े से बात करना चाही तो उन्होंने शहर से बाहर होने का हवाला देते हुए अपने उच्च अधिकारियों से बाइट लेने को कहा, जो छिंदवाड़ा में बैठते हैं। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट।